सभी भाइयों को एसएल चौधरी की तरफ से नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, पशुपालन के अंदर एक जो चारे की जो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। एक तो हरा चारा, एक सूखा चारा। तो हरा चारा वैसे हर जगह पे उपलब्ध नहीं होता है 12 महीने के लिए। तो वैसे मौसमी जो मौसम के अनुसार हरे चारे होते हैं वो 2 या 3 महीने के हिसाब से आते हैं, और उसके बाद फिर पशुओं को सूखा ही देना पड़ता है। हरे चारे का पशुओं में बहुत बड़ा महत्व है। तो आज मैं आपको एक ऐसे हरे चारे के बारे में बताऊंगा जिसका आजकल वैसे बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। ये इसका नाम सुपर नेपियर। इसको कैसे लगाएं, कब लगाएं और क्या किस कितनी कितनी दूरी पर लगाएं, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊँगा। इसकी जो लगाने की विधि है वो 2 प्रकार से लगा जा सकता है। एक नर्सरी तैयार करके लगाया जा सकता है और दूसरा डायरेक्ट डंठल विधि से भी इसको लगाया जा सकता है। सुपर नेपियर को लगाने का जो समय है दोस्तों वो है, वैसे तो इसको 12 महीने लगा सकते हैं, सर्दी के महीने और ज़्यादा गर्मी के महीने, 2 महीनों को आप छोड़ के आप कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन जो इसका सही जो समय है वो है जुलाई और अगस्त, जो अभी बारिश का मौसम है। इसमें जो आपका जर्मिनेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से होगा, तो आप इस महीनों में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसकी खेत की जुताई कर लें अच्छे से, और उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद मिला दें और DAP भी डाल दें। और अगर आप जो कनाल विधि से लगा रहे हैं तो इसमें जो आपको मेड़ डाल लेनी चाहिए, या धोरे जिसे बोलते हैं हमारे राजस्थानी भाषा में, या मेड़ डाल लेनी चाहिए, इसको आपको 2x2 पे लगा सकते हैं, 3x2 पे लगा सकते हैं, 4x2 पे लगा सकते हैं, जैसा आप लगाना चाहते हैं। जितना जैसे भी आप लगाएंगे, अगर ज़्यादा दूरी में लगाएंगे तो इसकी जो फुटान है वो ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा पास में लगाएंगे तो थोड़ी फुटान कम आ जाएंगी। तो पहले धोरे ओरे डला के फिर आपको जो डंठल लेना है सुपर नेपियर का, जिसे गन्ने के जैसे आँख होती है, उस आँख को ज़मीन के अंदर डाल देना है, और आपको 1 या 2 हफ्ते तक उसमें नमी अच्छी तरीके से बनाए रखने हैं, ताकि जो पौधे की जो जर्मिनेशन है वो अच्छी तरीके से हो पाए। दूसरी विधि है जो आपको एक थोड़ी सी जगह में आपको इसकी नर्सरी तैयार कर लेनी है, और नर्सरी तैयार करने के बाद आपको 1 महीने के जब पौधे हो जाएं, तब उनको सबको जो भी जिस पौधे का जर्मिनेशन हुआ उनको इकट्ठा कर लेना है, और जो ऊपर उसकी पत्तियां होती है उसकी कटिंग कर देनी है और आपको लगा देनी है, उसको भी आपको ज़मीन में लगा देनी है। तो जो आप नर्सरी विधि वाला है वो आपका ज़्यादातर सक्सेस होगा, क्योंकि जो भी मरना होता है वो नर्सरी के अंदर पौधा मर जाएगा, और जो भी पौधा जो जिएगा वो आपको तैयार पौधा हो जाएगा और आप उसको लगा सकते हैं। इसको आप सबसे बेस्ट तरीका है ड्रिप वेरिफिकेशन में लगाएं, ताकि ड्रिप वेरिफिकेशन में इसकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा है, एक पानी की बहुत अधिक बचत होगी आपको। और मेरे हिसाब से आप ड्रिप वेरिफिकेशन करके ही लगाएं इसको, तो आपको ना पिलाई की ज़रूरत होगी और अच्छा जो आपका उत्पादन इसमें मिलेगा। तो हमने भी ये जो मंगाया है जींद से मंगाया था, कप्तान सर के यहाँ से, तो मैं उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दूँगा। और हमारे एक राजस्थान में भी भाई हैं जो इनको इसकी डंठल जो है ऑल इंडिया उपलब्ध कराते हैं बाईपास ट्रांसपोर्ट की तरफ से, उनका भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप इनसे संपर्क करके आपको जहाँ पर भी ये मंगाना है सुपर नेपियर, आप इनको मंगा सकते हैं। और इस सुपर नेपियर में खासियत यह है दोस्तों कि इसको पशु बड़े चाव से खाते हैं, इसको जब अपन कटिंग करते हैं तब भी इसमें कोई खुजली वगैरह नहीं होती। लेकिन हाँ, एक इशू है, अगर आपको कोई भी जो सुपर नेपियर देता है वो आपको कहेगा कि ये 1.5 महीने के अंदर इसकी काटने के लायक, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार में आपको 3 महीने के आसपास लग सकते हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, और जब दूसरी जो कटाई होगी वो आपको 45-45 दिन के आसपास आपको मिल जाएगी, बाकी की जितनी भी कटाइयाँ। और ये एक बार लगाओगे आप दोस्तों तो आपको 7 से 8 साल या 5 साल
आप जितना इसको अच्छी केयर करोगे उस हिसाब से आपको ये चलता रहेगा। और आप ये ज़रूर लगाएं, अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है तो हमें आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना।